प्यारे बच्चों, आज हम बाल महाभारत की कथा पर आधारित कर्ण की कहानी को पढ़ेंगे। आपकी किताब पेज नंबर 13 में पार्ट 8 कर्ण। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक बारी समारोह किया गया जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हरेक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर से की थी, परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई सानी न था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर कम टोंकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, अदित्य द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था, लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम ना थी। ये तो आप शायद समझ चुके होंगे। यहाँ पर पांडवों ने पहले कृपाचार्य से शिक्षा प्राप्त करते हैं, बाद में द्रोणाचार्य से। ये कृपाचार्य और द्रोणाचार्य दोनों गुरु से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाने के बाद उनको क्या हो गया, इस निपुणता को लोगों के सामने दिखाने के लिए यहाँ पर समारोह किया गया। वे पांडव और कौरव दोनों अपने अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। पूरे के पूरे नगर के लोग इस समारोह में भाग लेने के लिए आ गए थे। और प्रतिस्पर्धा जो है, पांडव और कौरव के बीच में प्रतिस्पर्धा जो हो रहे थे, उसमें बहुत कमाल की चतुरता कौन दिखा रहे थे, अर्जुन। अर्जुन का सामना कोई भी नहीं कर सकते थे। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल देखा, बहुत ही कमाल का खेल है। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर पूरे राजवंश के लोग दंग रह गए। दंग रहने का अर्थ यह है कि उसको आश्चर्य हो गए। और दुर्योधन का मन ईर्ष्या से, राजवंश के लोग खुश हो गए, अर्जुन बहुत ही कमाल के प्रदर्शन कर रहे थे। इसे देखकर किसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, दुर्योधन के मन में। इसी समय में रंगभूमि में एक रोबीला मतलब प्रतापी और तेजस्वी युवक प्रत्यक्ष हो गए। यह कौन है, किसके सामने प्रत्यक्ष हो गए, अर्जुन के सामने। ये युवक और कोई नहीं, अधिरथ का पुत्र था। सभी जानते थे यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ का पुत्र है। किसी को मालूम नहीं है यह कुंती का पुत्र है, कर्ण है। इतना समझ में आ गए।